हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे कि कैसे अपने पता कर सकते हैं कि जो हमारी फीमेल गोट है, जो प्रेग्नेंट गोट है, वो 20 से 25 दिन के अंदर बच्चा है जो देने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 फीमेल्स गोट लिए जो प्रेग्नेंट है। 3 फीमेल इसमें ऐसी है जो 20 से 25 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, मतलब चौथा महीना उसको कंप्लीट हो चुका है, पांचवा स्टार्ट है। 4 महीने उसके कंप्लीट हो गए, पांचवा स्टार्ट हो गया। 4 से 5 महीने के अंदर वो गाभिन है गोट, ठीक है। 2 बकरियां यहाँ पे साथियों कुछ ऐसी है जिसको अभी, एक गोट को तो हुआ है 2.5 महीने और एक फीमेल को 1.5 से 2 महीने गाभिन हुए को है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता दूंगा, आपको इतना अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझा दूंगा कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि जो आपकी बकरी है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर बच्चा है जो दे देगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फीमेल दिखाता हूं जिसने, सबसे पहले आपको क्या चीज नोट करनी है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये वाली फीमेल है, ये वाली जो फीमेल है उसका ऊपर से आप अडर चेक कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं ऊपर से, ठीक है। ऊपर वाले जो अडर के अंदर दूध है जो भर चुकी है, मतलब जब कोई भी आपकी फीमेल 4 महीने प्लस गाभिन हो जाएगी और ऊपर वाले अडर के अंदर दूध भर जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपकी बकरी हाईएस्ट 20 से 25 दिन के अंदर बच्चा देगी। यहां पे मैं एक और फीमेल दिखाता हूं जो अभी 2.5 महीने 3 महीने की गाभिन है और ऊपर वाले अडर के अंदर बिल्कुल भी दूध नहीं है, देख सकते हैं इसके अंदर दूध नहीं है। और साथ में लगती ही इसके एक फीमेल खड़ी है जो 4 महीने प्लस गाभिन है, तो ऊपर वाले अडर के अंदर इसके अंदर दूध है, भरा हुआ है ना, और इसका अडर देखिए 3 महीने से कम गाभिन है, इसका अडर सूखा हुआ है, मतलब इसके नीचे थनों के अंदर भी दूध नहीं है, ऊपर भी दूध नहीं है। इसके ऊपर वाली साइड तो दूध है, यहां पे देखिए नीचे की तरफ जो थन है उसमें दूध नहीं है, इसके दोनों तरफ ही दूध नहीं है, मतलब ऊपर भी दूध नहीं है, नीचे भी इसने कुछ भी भरा हुआ नहीं है। तो यहां से आप कंफर्म हो जाइएगा जब गोट आपकी ऊपर के थनों में दूध उतार ले तो आपकी जो गोट है वो 20 से 25 दिन हाईएस्ट बच्चा देने के अंदर लेगी। जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4 जनवरी को, तो आज से लगभग 25-26 दिन, मतलब फरवरी के शुरू के अंदर अंदर, ठीक है, ये बकरी बच्चा, ये वाली जो गोट है वो बच्चा दे देगी। इसका अभी लगभग 2 महीने पड़ा है, 2 महीने तक ये बच्चा नहीं देगी। जननांग की अगर बात करें तो इसका जननांग आप चेक कर सकते हैं, लूज है वो तो आपको पता ही है। और अगर जो 4 महीने वाली फीमेल का जननांग आपको मैं दिखाऊं तो बार की तरफ निकल आया है, देख सकते हैं आप, देखिए बिल्कुल बार की तरफ इसका जो जननांग है वो निकल के आ चुका है। और इसका जननांग की अगर आपको मैं दिखाऊं तो इतना उभरा हुआ नहीं है, देख सकते हैं, उसके मुकाबले इसका जननांग इतना उभरा हुआ नहीं है। अब मैं एक और फीमेल है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये वाली फीमेल भी करीबन करीबन अभी इसका 25-26 दिन लेगी है, इसके ऊपर वाले साइड में भी दूध है, ठीक है। 5-2 फीमेल मैंने आपको क्लियर कर दी, ये वाली फीमेल भी 20 से 25 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, तो इसके भी ऊपर वाली साइड के अंदर दूध है जो भरा हुआ है, नीचे थनों में दूध नहीं है, जननांग भी बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब एक और फीमेल है यहाँ पे, ये देखिए इस फीमेल, वो जो सामने जा रही है छोटे थनों वाली जो अभी निकली है, इस वाली फीमेल के ऊपर और अडर दोनों साइड में दूध नहीं है, थोड़ा ये खट नहीं रही है, मैं आपको दिखा दूंगा, इस वाली फीमेल के भी नीचे, ना भी नीचे थनों के अंदर दूध है और ना ऊपर, मतलब ये दूध सुखाना स्टार्ट हो गया, मतलब इसको 1.5 महीना हुआ है गाभिन हुई को और ये दूध जो है जो सुखाना स्टार्ट कर चुकी है, मतलब इसके ऊपर वाले अडर के अंदर भी दूध नहीं है और ना ही नीचे थनों में कोई थोड़ा मोटा बच्चा दूध पड़ा है वो है। अब ये वाली फीमेल तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था कि इसके ऊपर वाले जो अडर है उसमें दूध, और इसका जननांग आपको मैं दिखाता हूं, इसका जननांग भी बहुत ज्यादा निकल के बाहर आ चुका है, ये देखिए मतलब एकदम लालिमा आ गई है बहुत ही, और इसका जो जननांग नीचे के अडर के अंदर है, अडर दूध में दूध का भर गया, नीचे थन अभी सूखे हुए हैं। जब इस फीमेल का 7 दिन रह जाएंगे ना दोस्तों बच्चा देने में, तो नीचे वाले थनों के अंदर हल्का दूध उतार लेगी, मतलब जैसे ये आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, जैसे कि ये वाली फीमेल है खड़ी हुई है,
ठीक है, इसके ऊपर वाले थनों में ऊपर तो दूध भरा हुआ है, ठीक है, नीचे दूध नहीं है। जब इसका 7 दिन का टाइम रह जाएगा तो नीचे वो उसकी में मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे जब 7 दिन रह जाते हैं बकरी के बच्चा देने के अंदर तो तब उसकी कंडीशन क्या रहती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले जगह पे दूध है, नीचे वाली साइड में अभी थनों में दूध नहीं है ना, जब 7 या 5 दिन रह जाएंगे ना तो नीचे वाले थनों के अंदर हल्का दूध भर लेगी, ऊपर वाला जो अडर है वो थोड़ा भरा हो जाएगा, मतलब और ज्यादा दूध आ जाएगा, नीचे वाला थनों के अंदर भी दूध आ जाएगा। जब उसका 24 घंटे रह जाएगा तो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका मैं लाइव रिपोर्ट दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कैसे जब बकरी बच्चा दे रही होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, कैसे वो बिहेव करती है, कैसा उसका लक्षण हो जाता है, क्या कैसे वो खाना पीना करती है, टोटली मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस YouTube चैनल पे बकरियों से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये वाली दोस्तों सिम्टम्स होते हैं जब आपकी जो गोट है जिसका 20 से 25 दिन रह जाते हैं बच्चा देने के अंदर। तो वीडियो को साथियों यही एंड करेंगे, वीडियो आपको अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, धन्यवाद।